नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप दो फोटो के एक साथ ऐड कर सकते हैं और जो बीच का जो लकीर होता है उसको आप हटा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर अभी यूज करता है, आप देखते होंगे, जैसे फ्लाइंग विस्ट हो गया, अक्सर जैसे बड़ा बड़ा जो ब्लॉगर है जो अभी यूज करता है, ये ब्लॉगर के लिए बेस्ट है दोस्तों कि आसानी से आप दो फोटो तीन फोटो ऐड कर सकता है। बीच का जो लकीर है जो आप आसानी से उसको हटा सकते हैं, जिससे देखने में लुकिंग अच्छा रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो आप कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्सल ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसे भी आप यूज़ करते होंगे, आप यूट्यूबर होंगे तो आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस टाइप का आएगा होम पेज, तो उसको फर्स्ट वाले को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। आप उसको आपको साइज मतलब चूज कर लेना, जैसे आप यूट्यूब थंबनेल के लिए बना रहे हैं तो इस पर आप कहीं साइज पर देखते होंगे, यहाँ पर इमेज साइज, तो इस पर आपको क्लिक करना है इमेज साइज पर। फिर यहाँ के कस्टम शो करते हैं, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ पर शो करता है यूट्यूब थंबनेल, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, इस टाइप का हो गया दोस्तों। तो आपको कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप इस पर जाने के बाद आपको ब्लैक कलर ले लीजिए, यहाँ पर जाने के बाद ब्लैक कलर ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करनी है, जैसे जो आप दो फोटो या तीन फोटो ऐड करना चाहते हैं तो फोटो आपको लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आप प्लस आइकन वाला पर आपको क्लिक करिए, यहाँ पे प्लस आइकन इस पर क्लिक करिए और नीचे आपको शो करेगा फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको चले जाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे थ्री डॉट वाले पर आपको क्लिक करना है, नीचे में आपको गैलरी का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपका जहाँ भी ऐप फोटो वहाँ से आपको ले लेना, जैसे मैं डाउनलोड किया हूँ तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको जैसे दो फोटो लगाना चाहता हूँ तो गैलरी में जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो अपना ले लीजिएगा, जैसे मैं एक ये फ़ोटो ले लेता हूँ, तो उसको क्या करना है, आपको बड़ा कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। और फिर इसको क्या करना है, आपको बड़ा कर देना है यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे कर देना है। फिर एक और फोटो आपको ले लेना है, फिर यहाँ पे प्लस सेकंड पर जाइए, फिर क्रोम गैलरी पर जाइएगा। फिर मान लीजिए आप कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो उसको आप फिर उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ नीचे आप चिंदगी उस पर आपको क्लिक करना है, फिर उसको आप भी उसको भी फिर बड़ा आप थोड़ा कर दीजिएगा। अब फिर आपको क्या करना है, इस पर आई क्लिक रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर बीच वाले आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है, इस स्टेप पर आप देखते होंगे मैं किया हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेजर है, इरेजर पर आपको जाना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इरेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जैसे ये है तो आपको ये इसको आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये है पूरा फुल कर देना है दोनों को। और यहाँ इस साइड से आपको क्या करना है, उसको ऐसे हटा देना है, ऐसे स्टेप से आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सेलेक्ट क्लिक कर देना है, इस टाइप का आप कर देना। फिर इसमें भी आप सेम करना है, ये भी आप पिक ले लीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद इरेजर पर चले जाइएगा, फिर इसको भी फुल कर दीजिए, इसके बाद उसको भी ऐसे कर दीजिए, और फिर इसके बाद इस टाइप से आप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आसानी से हो गया, आपको एक से दो मिनट में आसानी से आपका ये थंबनेल तैयार हो गया। तो दोस्तों इस टाइप से आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से भी कोई भी, जैसे आप देखिए आपका थंबनेल, आप उसको आप छोटा बड़ा आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। आप जैसे इसको इस साइड कर लीजिए, इस साइज करने के बाद अब इस स्टेप से आप कर लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, आसानी से आप थंबनेल आपका ब्लॉग चैनल का थंबनेल आपका बन गया सिर्फ दो मिनट में। तो इस स्टेप से आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बस और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप थ्री डॉट वाले यहाँ पर शेयर वाला पे इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर शेयर वाला पे स्टेप से। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ 1228 उसको आपको फुल HD करना है। तो यहाँ पे आपको ये आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे में अल्ट्रा शो करता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको सेव टू गैलरी कर देना है, तो ये आपका सेव हो गया। आपको ऐड आएगा तो ऐड को आप कैंसिल कर दीजिए, इसके बाद आप कट कर दीजिए बीच से। आप गैलरी में जाकर देख सकते हैं, आपको गैलरी में आ गया। तो देखिए दोस्तों, मेरा गैलरी में आ गया। तो इस स्टेप से आप आसानी से दोस्तों आप कर सकते हो, भी बहुत सिंपल तरीका में। देखिए आ गया, आप अपना थंबनेल में यूज कर सकते हैं, सिंपल है। बस इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोर लाइक एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।